हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं शुरू करने लगी हूँ अपना वीकेंड का व्लॉग। तो आज है थर्सडे एंड डेफिनेटली थर्सडे नाइट से वीकेंड यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ना काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मैं अपने सलोन वाली घर बुला लूँ, क्योंकि मैं अपना बाहर नहीं जाती, क्योंकि हाथ के साथ बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छी एजेंसी डिस्कवर की है, उसमें ये लड़की घर आती है एंड वेरी प्रोफेशनल। आप देखें सारे उसने बड़े अच्छे से उस अपने प्रोडक्ट्स भी लेके आए हुए हैं, यहाँ तक कि उसके अलावा सारे नीचे टिश्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो मुझे ना ये काफ़ी अच्छी लगी है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए बड़ा इजी एंड रिलैक्सिंग हो जाता है कि आहत भी घर पे होता है और मैं आराम से अपने सारे काम करवा लेती हूँ। तो वीकेंड के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ा सा मेरा पैम्परिंग सेशन स्टार्ट हो गया, मैं थोड़ा सा ये करवाऊँगी, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। ओके, सो मैं अब हो गई हूँ डन सब कुछ करके। अब मैं आहत को सुनाऊंगी, उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो जाऊंगी, थोड़ा सा टेक शावर और क्लीन अप कर लूँगी। तो ये है जीन्स जो मैं भी रख के यहाँ जा रही हूँ, जो मैं आज रात को पहनूंगी, और साथ दिस इज द ब्लाउज जो मैंने शाम को पहना है। तो ये आई सी यू शाम को। ओके गाइस, तो हमने डिसाइड किया कि हम आएंगे हाउस ऑफ स्लॉ। मैंने ना इसे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना था, काफ़ी हाइप इसके बर्गर से आप देख सकते हो, देखने में ये इतने मज़े के लग रहे हैं। हाँ टेस्ट भी अच्छा था नो डाउट, बट बहुत जो ये इनका शोर था ना उतना अच्छा नहीं था, बट अच्छा था। तो हमने एक बीफ भी ऑर्डर किया, दो चिकन ऑर्डर किए, दोनों फ्लेवर चिकन के डिफरेंट थे। मेरा थोड़ा फायरी था, अली का जो था वो सुपर फायरी था। तो अच्छा था, मज़ा था, मज़े का था, बहुत मज़ा आया। स्पेशली इनकी ड्रिंक बहुत अच्छी थी। जो इनके फ्राइज़ थे वो भी आप देखेंगे, वो फ्राइज़ भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने ऊपर सारी क्रीम्स सॉसेजेस डाली हुई थी। उसके अलावा इन्होंने साथ ही ग्लव्स भी दिए थे ताकि आप मेसी ना हो, बट मैंने ग्लव्स नहीं यूज़ किए क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा ईजी लगा। और आप देख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट सब खा पी चुके हैं। एनी वे, सो नेक्स्ट डे का व्लॉग भी ना मैं बस कुछ जाने से पहले ही शुरू कर रही हूँ। तो ये कल की डेनम बाहर पड़ी थी, मैंने सोचा इसके बस ब्लाउज पहन लेती हूँ कोई सा भी, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिन नहीं हो रहा। कल का दिन बहुत लंबा हो गया था, हम रात बीच भी चले गए थे। तो ये ब्लाउज़ है और साथ में सोचूँ ये वाला बैग इसके ले लूँ। और मैं जा रही हूँ JLT, मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि कैफ़े कैसा है। लाइटिंग बहुत कम है, इंटरेस्टिंग मैं इतनी इंटरेस्टिंग कैफे में आई हूँ ना, इससे पहले मैं कभी इस तरह के ना कैफे में नहीं आई। तो मैं अंदर चल के ना आपको वीडियो दिखाती हूँ। गाइस दैट्स व्हाट द कैफे लुक्स लाइक। ये है वो कैफे जिसके बारे में बात की थी, इट्स रेल्स ईट प्ले एंड चिल पार्टी। बहुत इंटरेस्टिंग कैफे है, मैं आप लोग को अंदर चल के दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये था गेमिंग कैफ़े। लाइक मुझे नहीं पता था कि इस तरह के कैफ़ेज़ भी होते हैं। यहाँ पे सारी गेम्स थी, कैले कंप्यूटर गेम्स थी, प्ले स्टेशन था, बिलियर्ड थे, वो जो मतलब मुझे इतने ज़्यादा गेम्स का पता नहीं है, बट मुझे ना ये कैफ़े काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, स्पेशली लड़कों के लिए कि वो अपने ऑफिस के बाद यहाँ बड़े आराम से आ सकते हैं, खेल सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी प्राइसेस है वो भी 5 दिरहम पर आवर के हिसाब से शुरू हो रहा था, तो बहुत सस्ता था। उसके अलावा इनका खाना भी बहुत अच्छा, गर्मा गर्म उन्होंने हमें खाना सर्व किया था। तो जैसे कि आप देखो उसमें बर्गर्स थे, चिकन विंग्स थे, फ़िश फिले थे, पास्ता, पिज्ज़ा, और ये ना डिज़र्ट एंड में बहुत मज़े का था। और JLT का व्यू तो आप सब जानते हैं कैसे। आज का ना ब्लॉग मैंने छोटा सा बनाया था, छोटा सा वीकेंड था। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।